टू फ्रेंड्स मैं हिना उमर कैसे हैं आप आई होप कि आप सब ठीक होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को होम मेड फेस वाश बनाने का तरीका बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है जो आप डेली यूज़ कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के जो भी आप साबुन यूज़ करते हैं आप उस साबुन को छोड़ के आप घर में ये फेस वॉश बनाएं और इस फेस वॉश को यूज़ करें आपको गर्मियों से पहले पहले शानदार रिज़ल्ट मिलेगा आपकी स्किन से जो आपकी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है चाहे वो पिगमेंटेशन है फ्रैकल्स हैं ब्राउन स्पॉट्स हैं ओपन पोर्स हैं रिंकल्स हैं एंटी एजिंग फेस वॉश है ये इसके ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगी और एक महीना एक महीने के लिए हमारा ये फेस वॉश जो है आराम से चल जाता है जो कि हम घर में बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसके जो रिज़ल्ट हैं वो आपको मिलने वाले हैं तो चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप चलते हैं अब हम वीडियो की तरफ और बनाते हैं फ़ेस वॉश बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और हम ये फेस वॉश कैसे बनाएंगे तो चलिए चलते हैं रेमेडी की तरफ तो हमें फ़ेस वॉश बनाने के लिए चाहिए है एलोवेरा जेल खीरा एक अदद एक लेमन बादाम का तेल और पियर साबुन आप कोई भी साबुन ले सकती हैं जो आप डेली रूटीन में यूज़ कर रही हैं मैं पियर इसमें ऐड करती हूँ इसलिए मैं आपको पियर ही दिखा रही हूँ वन सिक्सटी का ये आता है और मुझे चार चम्मच चाहिए चावल और इसके साथ साथ मुझे चाहिए अरके गुलाब मीन रोज़ वाटर मुझे चाहिए फेस वॉश बनाने के लिए तो चावल जो है वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं अब मैं एक जग लूँगी उसमें मैंने खीरा ऐड किया एक लेमन जूस ऐड किया आप चाहें तो दो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपका जो लेमन है वो जूसी नहीं है तो आप दो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं मैंने एक ही किया है उसके बाद मैंने इसमें एक चम्मच बादाम का तेल ऐड किया है और चार चम्मच मैं इसमें रोज़ वाटर के ऐड करूँगी आप इस फ़ेस वॉश से आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे जो कि आप देख के हैरान रह जाएंगे एनी वेज़ चार चम्मच इसमें मैंने रोज़ वाटर ऐड किया चावल जो मैंने धोए थे अच्छे अच्छे से चार चम्मच वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड करूँगी बहुत बारीक हमने इसे ग्राइंड करना है ताकि हर चीज़ आपस में यकजान जो है वो हो जाए साबुन जो है उसका मैंने चूड़ा कर लिया है कद्दूकश करके बहुत ईजीली हो जाता है चूड़ा घर में ग्राइंड में बाकी मटेरियल मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ अब मैंने इसमें दो चम्मच एलोवेरा जेल डाल के भी ग्राइंड कर लिया एलोवेरा जेल डालने के बाद मैंने अब इसमें साबुन डाल के भी ग्राइंड करूँगी एक दफ़ा अच्छे से ताकि साबुन जो है वो हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए तो ये लें जनाब हमारा फ़ेस वॉश जो है वो रेडी हो चुका है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार रिज़ल्ट के साथ ये आपको वर्क करेगा आपकी स्किन पे और आप हैरान हो जाएंगी अपनी स्किन में ग्लो देख के मैं आपको हंड्रेड एंड वन परसेंट श्योर कह रही हूँ मेरी बाकी रेमेडीज़ की तरह ये रेमेडी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में फ़ेस वॉश घर में हमारे पास तमाम चीज़ें तकरीबन अवेलेबल ही हैं इस फेस वॉश के लिए आपको इस फेस वॉश से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपकी स्किन की तमाम प्रॉब्लम जो हैं इस फेस वॉश से हल होने वाली हैं पिगमेंटेशन फ्रैकल्स मिलाजमा ब्राउन स्पॉट्स स्किन में ग्लो फेयर स्किन तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना